और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बालाघाट से आ रही, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर हुए हैं और अभी भी मुठभेड़ जारी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने घटना की पुष्टि की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बालाघाट से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। दो नक्सली मारे गए हैं इस मुठभेड़ में, मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने इस घटना की पुष्टि की है। नक्सली अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे, यही वजह है कि नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में नक्सलियों और पुलिस बल के बीच आमना सामना हो गया, मुठभेड़ हो गई। दो नक्सली जो है मारे गए हैं, मुठभेड़ अभी जारी है। हरीश लेलहारे हमारे संवाददाता हैं, फोनलाइन पर मौजूद हैं। हरीश, कब और कैसे मुठभेड़ हुई, ये थोड़ा सा जरा तफसील से बताएं हमें। जी, ये बीती रात्रि से जो है नक्सली मुठभेड़ होना बताया जा रहा है, और अभी रात से ही जो है यहाँ सुरक्षा बल और पुलिस के जवान बोरबंद के जंगल में सक्रिय हो गए हैं। इन्हें जो है मुखबिर के द्वारा एक पुख्ता जानकारी लगी थी कि लगभग एक दर्जन के आसपास की संख्या में नक्सली जो है बोरबंद जंगल में जो है डेरा जमाए हुए है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के मकसद से आए हुए है। तो इसको बड़ी गंभीरता से जो है सुरक्षा बल और पुलिस ने ली और रात से ही जो है तस्दीक में लग गई, कार्रवाई में लग गई, सर्चिंग में लग गई। और ये भी बताया जा रहा है कि इनका आमना सामना हुआ नक्सलियों से, और उन्होंने कहा कि आप जो है वो कर दीजिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जो है नक्सलियों की ओर से फायरिंग की गई और फायरिंग करने के चलते जो है फिर पुलिस पार्टी को भी फायरिंग करनी पड़ी। और अभी बताया जा रहा है कि सुबह तक के जो है फायरिंग लगातार जारी रही है और कार्रवाई में, और इसमें बड़ी बात ये बताई जा रही है कि जो सूत्रों से जो जानकारी लग रही है कि दो नक्सलियों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है, जिसमें एक महिला नक्सली भी है। जी अविनाश जी। हरीश, आप इस खबर पर बने रहिए और हमें लगातार अपडेट करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री